ये झंडी है और ये झंडी टॉप है। इसका मतलब होता है कि आप आधे रास्ते चढ़ चुके हो और ये इसी की पहचान है। और नज़ारा तो है ही खूबसूरत, और वादियों का जो नज़ारा है ना, कहीं और नहीं मिलेगा जो तुंगनाथ पे है। बोल रहे हमारे भोले बाबा तुंगनाथ, जो कि भाई यहाँ से दिखने लगे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो यार, मज़ा आ रहा है विशांत? भोले बाबा बस 5 मिनट और, 5 से 10 मिनट फिर आपके चरणों में हम हाजिर होंगे, आपके चरणों में अपनी दस्तक देंगे और आपको कोटि कोटि नमन करते हैं आपने यहाँ तक पहुँचाया। पहले ये चेक करो भाई, बाबा तुंगनाथ ये रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा आशीष भाई, ये पानी जो मतलब बर्फ जो पिघल रही है, तो फ्रेश वाटर होगा, पी सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं। क्यों? छान के? हाँ, गर्म करके पी सकते हो। क्यों, इसमें दिक्कत थोड़ी है? बर्फ में वो होते हैं क्या? अच्छा, बैक्टीरिया होते हैं। ओके, अगर आप डायरेक्ट ले दो तो वो आपकी बॉडी में नुकसान भी हो जाएंगे। ओके ओके, क्योंकि अगर खराब हुआ जी बर्फ पर कीड़ा होता है। हाँ, एक बार लग गया हो जहाँ तक वो जा रहा है तो वहाँ से काटना पड़ेगा। ओके ओके ओके, इससे पहले ये सारा बर्फ से भरा होगा, 1 महीने पहले चेक किया था। इतना अच्छी फोटो है मेरे। अच्छा, तभी ये सारे पानी बर्फ भी पिघल के आ रही है ना सारी, ये देखो फ्रेश यार। और वो रहे बाबा केदारनाथ, तुंगनाथ यार, भाई कुछ भी बोल देता हूँ, ये ट्रैक ये यादगार रहेगा भाई, ट्रैक तो ये यादगार रहेगा। इस ट्रैक में जो मज़ा है ना, जूते में पानी ना जाए, हल्का सा चला गया। भाई मर्जी आपकी, कह सकते हो, बोल दो चलो बोल दो, जाओ खुद ही छूट है। चलना रे बाबू भाई, केदारनाथ की चोटी दिखाऊं क्या? दिख रही है केदारनाथ की चोटी? वो दिख रही है पीक, केदारनाथ की पीक बीच में है। ध्यान से आना, भी आ जाओ, आओ ना। ये है बिल्कुल बर्फ, भाई भाई आराम से वहाँ उधर से निकल जाते, ठीक है? अरे भाई आप काम करो, रिकॉर्ड के चक्कर में ना विशांत को दे दो, चाहे मैं दे देता हूँ। सबसे किधर जाना है? उधर से निकल जाओ। हाँ यार, नॉर्मल आइस नहीं इतना वो करती, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही, कितनी मुश्किल से ब्लॉग बना। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल है ना, पर यार नेटवर्क नहीं आ रहे ना, कैसे करोगे? हाँ, लेकिन ये आपका हार्डवर्क देख के तो लग रहा है। प्लीज सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो, ही इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, आई कैन सी। उससे पहले आपको भी करना पड़ेगा, अगर आपके पास फोन है तो। मेरे पास फोन नहीं है ना। क्या नाम से? दक्ष ब्लॉग 7 डाल देना आप। दक्ष DAKSH DAKSH हाँ, VLOGS 7। ओके, नहीं विदाउट 007। ओके ओके, थैंक यू। ओ भाई यार, मेरे को लगता है, चलो भाई चलो निकलो यार, आप क्रॉस करो पहले, फिर मैं क्रॉस करूंगा। ऐसे ऐसे बर्फ पिघल रही है ना, काली होती जा रही है, तो थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में भाई जो सामने से आ रहे हैं, मतलब जिसको जो जगह मिल जाए उसे पहले क्रॉस करने दो। क्या ना भाई, कैसी है आगे? शानदार, मजा आ गया? हाँ। दर्शन हुए दूर से ही? चलो ठीक है,
दक्ष भाई का चैनल का नाम है, भाई को लाइक सब्सक्राइब करो भाई, बहुत आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, नेटवर्क आ रहे होंगे अभी यहाँ पर, नेटवर्क बिल्कुल आ रहे होंगे, बिल्कुल करता भाई, आ रहे हैं, चेक करो कहीं चल रहा है। रास्ते देखो यार, सारी पिघल चुकी है बर्फ, ऑलमोस्ट सारी पिघल गई यार। डस्टबिन मिल जाए तो यार मैं ये डाल दूं। फाइनली द वे ऑफ तुंगनाथ, मजा आ गया। और नजारा चेक करो यार, साफ सफाई भी है, लोग सुधर जाए तो ज्यादा बेटर है। भाई ये देखो, मैं ये लेके जा रहा हूँ, मैं देखो खाली हो चुकी है और डस्टबिन का वेट कर रहा हूँ। प्लास्टिक मेरे अच्छे पैकेट में है, अगर डस्टबिन मिलती है तो ठीक है, वरना भाई अगर ऊपर तक देखो यार, भरी लाए ऊपर तक अपने मजे के लिए, अब खाली से नहीं लेके जा सकते। गर्मी के पानी भर के खुद लेके जा रहा हूँ, वही चीज तो भाई, खाली भी खुद ही लेके जानी पड़ेगी ना, हर बंदा आलस करता है। पैर भी ना फिसल रहे हैं थोड़े से। जय बाबा की, जय बाबा की। क्या पहुंच गए क्या भाई? भाई यार मुझे छोड़ के आ गए तुम लोग, बहुत गलत बात है। जय बाबा की भाई, सिस्टम है करना पड़ा यार, लगाना पड़ा ना इसे। अच्छा बंद, यहीं से बंद है ना? ज़्यादा जल्दी नहीं, खाना आ जा, यहीं से दर्शन कर लो भाई। अभी तो कपाट बंद है, अगले महीने खुल जाएंगे। अब डेट तो नहीं पता, बट अगली तारीख को खुल जाएंगे 10 के बाद, क्योंकि 10 को केदारनाथ के खुल रहे हैं, 10 से 12 के बीच में। सारे की सारे आ जाओ, जो भी है हमारे साथ। ये कहाँ छोटू, थक गए? अरे यार अभी तो चंद्रशिला चलना है, चलेंगे। तो फिर अभी से थक गए यार? मेरे तो बैग में पेन हो रहा है यहाँ, और कहीं भी पेन नहीं है। हरे हरे महादेव। ये जो टेंपल है तुंगनाथ जी, तुंगनाथ महाराज, तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई वाली जगह पर है शिवा टेंपल। इससे ज़्यादा ऊंचाई पर कोई भी शिवा टेंपल नहीं है, बाकी और टेंपल हो सकते हैं बट कोई भी शिवा टेंपल नहीं है। और क्योंकि अभी कपाट बंद हैं और अगले महीने सारे कपाट खुल जाएंगे, और उसके बाद हम तो आ नहीं पाएंगे दर्शन करने। फिलहाल बाबा ने बस इतना ही चाहता दर्शन कराने के लिए, बस इतने दूर से दर्शन करा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और यहाँ के नज़ारे तो हैं ही नेक्स्ट लेवल, और यहाँ की वादियाँ, और बस थोड़ा सा जो लोग आते हैं यहाँ पर वो और सुधर जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक है जो सुधरना नहीं चाहते। नहीं नहीं, गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। यस यस, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा आप सुधरने की, बट ठीक है जो भी लोग हैं यार, थोड़ी गंदगी कम करेंगे तो हमारे लिए बेटर है, है ना। अब जैसे यहाँ पर सारी बोटल्स डाल रखे हैं, ये खाने पीने के बाद यार सारे रेफर्स वगैरह फेंक दिए यहाँ पर। दक्ष ब्लॉग्स गाइस, ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप इस नज़ारों के मज़े लीजिए, और मिलते हैं तुंगनाथ के एक और न्यू ब्लॉग में।